पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव पत्रकार नगर नायला जयपुर में 571 आवंटियों ने शनिवार को योजना स्थल पर राम धुनी की ओर से योजना के पुनर्जीवित होने पर ईश्वर का आभार जताया। साथ ही योजना के क्रियान्वयन में आड़े आ रहे बाधाओं को शीघ्र दूर करने के लिए सामूहिक प्रार्थना की। रामधुनी के बाद आवंटियों ने बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। चलो नायला संगठन के आह्वान पर शनिवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आवंटियों की सामूहिक रामधुनी का आयोजन किया गया था। रामधुनी में सुबह 11 बजे से ही पत्रकार आवंटियों का आना शुरू हो गया। वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के साथ आवंटियों ने गणेश वंदना कर विघ्नहर्ता का आह्वान किया। इसके बाद राम नाम का जाप शुरू हुआ। रामधुनी की गूंज से पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव की भूमि भी राममय हो गई। आवंटियों ने कॉलोनी के मुख्य पार्क में शामियाना लगाकर राम दरबार की झांकी सजाई। संगीतमय माहौल में सभी ने राम नाम का गुणगान किया और योजना की भूमि में इकोलॉजिकल की बाधा हटाने पर ईश्वर का आभार जताया। आरती के साथ रामधुनी की पुनराहुति के बाद आवंटियों की बैठक हुई, जिसमें आगामी संघर्ष पर चर्चा चली। चलो नायला संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि भगवान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्हें पूरी उम्मीद है। उनके संघर्ष की सफलता है कि जेडीए में योजना की फाइल में इकोलॉजिकल की नोटिंग हटाई जा चुकी है। साल 2014 के बाद अधिकारियों की गलतियों के चलते अभी भी कुछ परेशानियां हैं और उन्हें डिमांड नोट नहीं दिया जा रहा है। चलो नायला संगठन के प्रतिनिधियों से अधिकारियों की अब तक हुई वार्ता में ये भी सिद्ध हो चुका है कि योजना में आवंटियों के साथ अन्याय हुआ है। 571 आवंटियों ने रामधुनी कर ईश्वर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से न्याय की गुहार की है।